चैनल मैं हूं निशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रतिक्रिया, जिसमें हम देते हैं प्रतिक्रिया। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ ना प्रतिक्रिया, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है ना, भी प्रमोशन होना भी जरूरी है ना। ऐसे मैं रिएक्शन वीडियो बोल दूंगी तो लोग याद नहीं रखेंगे, इसलिए मैं प्रतिक्रिया बोलती हूँ। फिर अभी हम लोग ना आगे की बातें करेंगे इस वीडियो को देख के। आज का वीडियो है वापस से चैन का। मैं एमसी स्टैन को बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे दिन हो गए ना वीडियो नहीं बनाया है उनके ऊपर, एमसी स्टैन के सॉन्ग्स के ऊपर। शायद एक आधा बनाया होगा अभी दो चार दिन में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है बदतमीज। ये ऑफिशियल वीडियो रिलीज हो चुका है 4 ईयर्स पहले, और ये है चैन का जिसमें सन्नी खान है उनके साथ। सो आज हम ये वीडियो देखेंगे, और ये जो बदतमीज सॉन्ग है इसमें क्या क्या बदतमीजियाँ होती है ये भी देखेंगे। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। शुरू से मैं बदतमीज, दिखा थोड़ी तमीज, गुस्सा मेरे खून में दौड़े कर तमीज, 20 या 30 बार सोच बोलने से पहले ये छोटी छोटी बातें दिल में शुरू से, घमंडी जबान मेरी तेज, बार में जाओ सारे हम साइको केस, भाई दो तेज, बहन मेरी एक, किसी की जरूरत नहीं बाकी फेक, शुरू से मचे खपत की सबकी, क्योंकि मैं मुंह पे बोलूं सीधा समझते सकती, चौड़ा मेरा सीना काम खून पसीना, चलूं मैं अकड़ से बना मैं अकेला, शुरू से मैं हिंदी में 10 के बराबर, मैं हंस के करूं काम, बस घर में रहकर खुदा पे यकीन, जोर ना जहन पर शोर में मचा कर कहूं सबके मुंह पर, शुरू से मैं तमीज, दिखा तेरी तमीज, लहजा अजीब, लहजा अजीब, शुरू से लगा कि तेरे सामने ऐसा नहीं यार कोई जो कि मुझे भाप ले, नया नया आया मैं तो सब परेशान थे, देखे पर कि जितने भी वो सब बेईमान थे, सब कुछ जानते पंदा के पहचान थे, कोई कैसे काटे रास्ता मेरा पावर पेन काट के, अपनों ने जैसा तो गैरा सी क्या शिकायत है, असूल कानून मैंने थोड़ी सब निभाई थी, गायते ही गायते तुम रखो अपनी जेब में, तेरे जैसे चूजों से मैं थक चुका खेल के, अपने पीछे खुला नहीं छोड़ा कोई गड्ढा, जो भी खुदी कमर अंदर गाड़ दिया बड़ा, चले थे सिखाने आज वो ही मुझे सीखते, ना इत्तेफाक तो ये था भाई चैन का गाना कि बदतमीज, जिसके बाद वो बोलते हैं कि दिखा तेरी तमीज। सो गाइस, काफी लोग का ऐसा कहना है कि चैन जो है वो बदतमीज है, शायद उन्होंने इसके लिए ये वीडियो बनाया हो उन क्रिएटर्स के लिए, और उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने बोला है कि जमीन में गाड़ दूंगा ऐसे लोगों को वगैरह, काफी सारा मीन्स रैप में है, वो ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ मैं जाके मर्डर कर दूंगा, ये रैप वाली चीजें मैं बोल रही हूँ उसमें। तो चैन जो है, सो आपको चैन का नेचर पता ही है, काफी ऐसे अलग से है वो, उनको मैं समझ ही नहीं पाई हूँ अभी तक कि बंदा सही में अच्छा है या गलत है, क्योंकि जितने उनके सॉन्ग देखे तब तक ना हर सॉन्ग के बाद ना इंसान की मेंटेलिटी चेंज होती रहती है उनके प्रति, कि हम ये सॉन्ग में अच्छा लग रहा है, वो सॉन्ग में गलत लग रहा है, वापस एक सॉन्ग में अच्छा लग रहा है, वापस एक सॉन्ग में गलत लग रहा है, तो उनको समझना बहुत कठिन काम है। और ये जो गाना है देखिए भाई बदतमीज, इसका जो ऑफिशियल वीडियो है ये एक प्लेस पे, जैसा मार्केट प्लेस पे एक शूट हुआ है, जिसके साथ में उनके जो फ्रेंड है सनी वो है साथ में, और वीडियो का जो बैकग्राउंड वगैरह है वो बहुत अच्छा है, ऐसे मीन्स ऐसे रियल सा सब कुछ चीज़ें लग रही है उसमें, क्योंकि उन्होंने उस प्लेस पे शूट किया है जहाँ पे मार्केट वगैरह है ऐसे,
और सॉन्ग के एंड में अगर देखा जाए तो वहां से फिर सनी का जो रैप है वो आगे स्टार्ट होता है, सनी खान जिनका नाम है उनका रैप आगे स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में जो है वो चेन जो है वो आपको दिखेंगे कि वो गा रहे हैं रैप बोल रहे हैं। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था इस सॉन्ग में कि बदतमीज जो उन्होंने ये बोला है सो वो किस वे में बदतमीजी जो है उसको प्रेजेंट करते हैं या फिर क्या क्या था उस सॉन्ग में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था हमारे लिए क्योंकि उनके हर एक सॉन्ग के साथ में कुछ ना कुछ अलग निकल के आता है। जैसे उनका एक सॉन्ग है काला जादू, सो काला जादू पे मुझे लगा कि सच में यार कुछ ब्लैक मैजिक की एक्टिविटी वो बताएंगे या फिर ऐसे मेरा दिमाग चल रहा था। फिर मैंने सोचा यार बंदा ऐसा नहीं है, बंदा तो बहुत अलग है, क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, हर एक सॉन्ग में कुछ ना कुछ अलग प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके उस सॉन्ग में उन्होंने जो लड़की थी उसको चुड़ैल बोल दिया, यानी कि उनके एक्स को जो कुछ भी होगी वो बिचारी उसको एक्स वाई जेड को, सो वो सारा सीन था। तो हर सॉन्ग के बाद में ना इंसान की मेंटेलिटी उनके बारे में चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही भाई ऐसे ही जो चैनल है ना ऐसे ही गाने बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे उनके साथ में रहेंगे और ऐसे उनकी वीडियोस देखेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल के अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।